हाय पीपल, आई एम संजू सिंह बैनर्जी और आज मैं वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में थोड़ा और बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हो, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 5 लेटर्स को वोवल कहा जाता है, जिसे हम स्वर कहते हैं हिंदी में। बाकी के 21 लेटर्स को व्यंजन कहा जाता है। वोवल को सुर में गाया जा सकता है, जैसे ए, ई, ओ, यू और बाकी के अल्फ़ाबेट्स को अगर हम देखें तो वो 21 अल्फ़ाबेट्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जो बोलते ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसे बी, सी, डी। और कॉन्सोनेंट्स और वोवल में डिफ्रेंशिएट करने के करना बहुत सिंपल है। वोवल को जैसे हम सुर में गा सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स को बिना वोवल के सुर में नहीं गाया जा सकता। जैसे अगर हम बी को बा, बी ऐसा कहना चाहें तो उसमें वोवल साउंड लगता है, जैसे बा उसमें ए लग गया, और बी कहें तो उसमें डबल ई लग, ई का साउंड आ गया। तो यही है बेसिक डिफरेंस वोवल और कॉन्सोनेंट में। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें मैं आपको वोवल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन दिखा रही हूँ। आप इनमें देखिए, जो रेड में है वो वोवल है, ब्लू में है वो कॉन्सोनेंट है। वोवल और कॉन्सोनेंट को जोड़ के ही वर्ड्स क्रिएट होते हैं। सी ए टी कैट, एच ई एन, इसमें जो ब्लैक में आपको दिख रहा है वो वोवल है और जो ब्लू में दिख रहा है वो कॉन्सोनेंट है। के आई डी किड, या फिर ओ डब्ल्यू एल, इसमें ओ जो है वो वोवल है और डब्ल्यू एल कॉन्सोनेंट है। ब्लू में जी एल कॉन्सोनेंट है और यू ई वोवल है। थैंक